नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जी के एम सीरीज और इस सीरीज की आज हम बयानवे क्लास यहाँ पे कवर करेंगे आज की वीडियो में भी आपको GK के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं इस सीरीज के माध्यम से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो सॉल्व होते हो तो वित्त आयोग का गठन कब किया गया था वित्त आयोग को लेकर कई बार क्वेश्चन आया है कि इसका गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है तो वित्त आयोग आपके आर्टिकल 280 के तहत गठित करते हैं दूसरा क्वेश्चन आता है वित्त आयोग को लेकर इसका गठन कौन करता है तो वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है ठीक है तीसरा क्वेश्चन आता है कितने साल के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग का गठन पांच वर्ष के लिए किया जाता है ये तीन क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं जो पहला वित्त आयोग था इसका गठन 1951 में किया गया था ऑप्शन बी सही आंसर होगा और अगर पूछेगा कि पहले वित्त आयोग की अवधि कितनी थी तो अवधि आपने 51 से 56 नहीं लगानी है अवधि इसकी जो पहले वाली की थी वो 1952 से लेकर 1957 तक थी तो टाइम पीरियड उसका ये था गठन उसका 51 में हुआ था एक और क्वेश्चन आता है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे इनका नाम भी बहुत बार पेपर में आया है वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में पंद्रवा वित्त आयोग अभी चल रहा है जिसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं, ठीक है ठीके? तो वित्त आयोग को लेकर आपके क्वेश्चन आते हैं इसको ध्यान रखेंगे पंद्रवें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था और यह आपके 2020 से 2025 तक इसका कार्यकाल है गठन 2017 में हुआ था अगर हम बात करते हैं जो वित्त आयोग की संरचना होती है इसमें कुल कितने मेंबर्स होते हैं कितने सदस्य होते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना वित्त आयोग में टोटल आपके पांच मेंबर्स होते हैं जिनमें चार नॉर्मल सदस्य और एक अध्यक्ष होता है ठीक है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का वितरण करने के लिए ही इसका गठन किया जाता है संसाधनों का वितरण केंद्र राज्य में कौन करता है किसकी सिफारिशों पर होता है वित्त आयोग नेक्स्ट है भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था तो जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ 1950 में, तो राज्यसभा सदस्यों के लिए जो कार्यकाल था कितना डिसाइड किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो राज्यसभा के लिए जो अवधि थी वो डिसाइड नहीं करी गई थी इसको संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था 1950 के बाद जब संविधान सभा को अंतरिम संसद में कन्वर्ट कर दिया गया अंतरिम संसद के द्वारा 1951 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे जनप्रतिनिधि अधिनियम कहा जाता है और इसके आधार पे राज्यसभा के लिए छह वर्ष की अवधि निर्धारित करी गई तो राज्यसभा के लिए मूल संविधान में कोई अवधि डिसाइड नहीं थी जनप्रतिनिधि अधिनियम उन्नीस के तहत इसे छह वर्ष किया गया ठीक है नेक्स्ट है निम्न में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है तो इनमें से कौन सा निकाय है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है सही आंसर है ऑप्शन सी क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं था क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय नहीं है यह एक वैधानिक यानी कानूनी निकाय है संसद ने कानून बनाकर इसका गठन किया है कैबिनेट के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है कैबिनेट का उल्लेख हमारे संविधान में एक बार हुआ है 352 अनुच्छेद में वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत है यह 352 के अंतर्गत है अंतरराज्य परिषद 263 में बताई गई है आर्टिकल क्षेत्रीय परिषद की बात करें जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में इसके आधार पे क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था तो क्षेत्रीय परिषद संविधान में उल्लेखित नहीं था कानून बनाकर इसका गठन किया गया क्षेत्रीय परिषद को लेकर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन अधिनियम था उन्नीस का उसके तहत पांच क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था इन पांच क्षेत्रों में आपके उत्तर क्षेत्रीय परिषद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद पश्चिमी दक्षिणी और मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इन पांच का गठन किया गया जो छठी क्षेत्रीय परिषद है वर्तमान में भारत में छह क्षेत्रीय परिषद हैं छठी वाली का गठन किया गया उन्नीस में उन्नीस के अधिनियम के तहत जिसका नाम है पूर्वोत्तर परिषद यह क्वेश्चन उत्तराखंड में ऑलरेडी आ चुका है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद कब बनाई गई तो 1971 के अधिनियम के माध्यम से बहत्तर में बनाई गई कई बार इनके हेडक्वार्टर पूछ लेता है तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर दिल्ली में है पूर्वी का कोलकाता में है पश्चिमी का मुंबई में दक्षिण का चेन्नई में मध्यवर्ती का इलाहाबाद में और पूर्वोत्तर का शिलोंग में आता है मुख्यालय ठीक है कौन सी राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं कई बार यह भी पूछ लेता है तो यह एक पूरा चार्ट है जिसमें आपको देखना है कौन कौन से राज्य किस क्षेत्रीय परिषद में आते हैं सबसे ज्यादा आपसे मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद पूछा जाता है क्योंकि इसमें आपके यूपी यूके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये आते हैं आमतौर पर सभी को लगता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में होंगे ये दोनों मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं ठीक है नेक्स्ट है निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है तो गुरुजी उपनाम इनमें से किसको कहा जाता है यह कहा जाता है एम एस गोलवलकर को ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा जो माधव सदाशिव गोलवलकर इनका पूरा नाम है आरएसएस के दूसरे संघचालक थे यानी कि आरएसएस के जो दूसरे प्रमुख बने थे वो गोलवलकर थे ठीक है आरएसएस की स्थापना आप जानते हैं 1925 में होती है पहले जो प्रमुख थे आरएसएस के वो हेडगेवार थे और जो दूसरे प्रमुख बने थे वो गोलवलकर थे उन्नीस से लेकर उन्नीस तक और इन्हीं को गुरुजी उपनाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको गुरुदेव कहा जाता है ठीक है रविंद्राथ टैगोर को किस उपनाम से जानते हैं गुरुदेव के नाम से मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी नाम से नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर का उदगम स्थल कहां है तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम की अगर हम बात करते हैं यह हरि के बैराज है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा पंजाब में खपुरतला के निकट ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर एक बैराज स्थित है जिसे हरि के बैराज कहा जाता है किन नदियों के संगम पर है हमने देखा ब्यास और सतलज नदी कई बार क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है तो प्रमुख नदी यहां पर सतलज है तो सतलज का नाम याद करेंगे वैसे प्राप्त इन दोनों नदियों से होता है सतलज और ब्यास ठीक है इंदिरा गांधी जो नहर है यह भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और यह हरी के बैराज से निकलती है पंजाब से निकलती है ब्यास और सतलस से इसे जल प्राप्त होता है ठीक है नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है कुछ दिन पहले ही हमने भारत की मृदाओं के बारे में कौन कौन सी मृदा है उनकी क्या विशेषता है डिटेल में बात करी थी भारत की चार प्रमुख मिट्टियों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे जलोढ़ मिट्टी आती है लगभग ये तैंतालीस फीसदी कुछ स्रोतों में पैंतालीस भी दिया है आपने पहला रेफरेंस तैतालीस को देना है तैंतालीस फीसदी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसके बाद लगभग अट्ठारह फीसदी क्षेत्र में लाल मिट्टी उसके बाद पंद्रह फीसदी क्षेत्र में काली मिट्टी और चौथे नंबर पे तीन दशमलव सात प्रतिशत के साथ आती है मिट्टी ठीक है है नेक्स्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन जाएगा और साथ में स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि जिस देश ने यह उपहार में दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया मंगोलिया की यात्रा करने वाले देश के पहले मंत्री रक्षा मंत्री कौन है राजनाथ सिंह है और मंगोलिया के द्वारा इन्हें सफेद घोड़ा दिया गया जिसका नाम है तेजस ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो घोड़ा मंगोलिया की तरफ से दिया गया उसका नाम क्या है या फिर मंगोलिया जाने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है तो आप कहेंगे मंगोलिया जाने वाले पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं करंट अफेयर भी और स्टैटिक भी सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है तो सर्कल नामक एक नई सुविधा यहां पर अपने उपभोक्ताओं को दी है ट्विटर के द्वारा जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है एक्स कर दिया गया है और यह क्वेश्चन हाल ही में उत्तराखंड में पूछा गया था कि ट्विटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है एक्स कर दिया गया है ट्विटर ने सर्कल नामक एक यहां पर सुविधा दी है इसके माध्यम से जो यहां पर यूजर हैं वो ये चुन सकते हैं कि उनको कौन कौन ट्विटर पर देख सकता है किस सर्कल के लोग उनको देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है काफी चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है मून लाइटिंग कुछ समय तक काफी ज्यादा यह चर्चा में रहा इसका संबंध रोजगार क्षेत्र से है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा एक साथ दो कंपनी में काम करने को कहा जाता है मून लाइटिंग ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा यानी दिन में आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं और नाइट में आप किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं इसको कहा जाएगा कि आप मून लाइटिंग कर रहे हैं ठीक है तो किससे संबंधित है रोजगार से संबंधित है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है को लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन से विधेयक हैं जिनको लेकर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन तब बुलाते हैं जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है किसी विधेयक को लेकर के वो विधेयक या तो साधारण विधेयक होना चाहिए या वित्तीय विधेयक होना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक के मामले में और धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता तो पहला और तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा हमने जब विभिन्न प्रकार के विधेयकों के बारे में बात करी थी तो देखा था वित्त विधेयक बहुत सारे प्रकार के होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं और उन्हीं वित्त विधेयकों में एक होता है धन विधेयक तो धन विधेयक को लेकर नहीं बुला सकते लेकिन जो नॉर्मल वित्त विधेयक होते हैं पैसे को लेन देन करके उनको लेकर बुलाया जा सकता है ठीक है जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है इसको भी आपने ध्यान रखना है राज्यसभा का सभापति कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करता नेक्स्ट है भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां स्थित है तो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को कहां पर स्थापित किया गया है इसे लद्दाख में स्थापित किया गया है लद्दाख में हाल ही में नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है जिनका नाम है बी डी मिश्रा ठीक है विश्व चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है तो करंट का भी है और पहली महिला है तो हमेशा पहली रहेंगी तो स्टैटिक का भी है दो पदक जीतने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली महिला पहलवान यह बनी है विनेश फोगाट ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है पेड़ा पद्धति क्या है तो पेड़ा पद्धति आपकी जंगल काटकर सूखे छोड़ने को कहा जाता है यानी कि जंगल आपने साफ कर दिए मैदानों को आपने सूखा छोड़ा और उसके बाद आप उस पर खेती करेंगे कुछ दिन पहले जब हमने स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम देखे थे उन्हीं में से एक नाम था पेड़ा तो पेडा पोडो ये सब स्थानांतरित कृषि के नाम है पेडा पद्धति क्या है जंगल को काटकर सूखने के लिए छोड़ना और फिर उसके ऊपर कुछ समय के लिए खेती करना जब उसकी उर्वरता कम हो जाए तो नई जगह पर जाकर वही प्रोसेस को वापस दोहराना ठीक है प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन इसको भी हमने भूगोल में डिटेल में देखा था सिडनी बुराड ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया और यह विभाजन उसने नदी घाटियों के आधार पर किया सिडनी बुराड़ के अनुसार सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक का जो क्षेत्र है उसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है सतलज से लेकर के काली नदी का जो क्षेत्र है उसे कुमाऊ हिमालय कहा जाता है और काली से लेकर तीस्ता तक के क्षेत्र को नेपाल हिमालय और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं इन चार हिमालयी प्रदेशों में जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है सबसे लंबा जो है वह नेपाल हिमालय है जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा ठीक है जो कश्मीर या पंजाब हिमालय है उसकी लंबाई 560 किलोमीटर है कुमाऊं हिमालय यह आपके 320 किलोमीटर के लंबा है और असम हिमालय आपके लगभग 700 सौ साढ़े किलोमीटर के करीब लंबा है तो आपको नेपाल पूछा था आठ किलोमीटर हो जाएगा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद इस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं और इस परिषद का जो गठन किया गया था वो उन्नीस में किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य है राज्यों के मध्य में जो जल विवाद है उनको सुलझाना ठीक है गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है या लिच्छवी दोहित्र कहते हैं लिच्छवी दोहित्र का मतलब होता है लिछवी कन्या से उत्पन्न यानी लिछवी कन्या का पुत्र तो लिछवी पुत्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा जो समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है उसमें इसे लिछवी दोहित्र कहा गया है जो समुद्रगुप्त के पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम उन्होंने एक लिछवी राजकुमारी से विवाह किया था लिछवी राजकुमारी का नाम कुमार देवी था और इन्हीं के पुत्र थे समुद्रगुप्त ठीक है दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था तो बलबन दिल्ली का सुल्तान बना था गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था इससे पहले यह नसरुद्दीन का यहां पर प्रधानमंत्री था जो नसरुद्दीन महमूद था 1246 से लेकर 1266 तक दिल्ली का सुल्तान रहा इस दौरान बलबन इसका प्रधानमंत्री रहा बाद में जब इसकी मृत्यु हुई छियासठ में बलबन खुद गद्दी पर बैठा ठीक है क्वेश्चन आता है नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी तो इसने बलबन को उलूक खान की उपाधि दी थी ये भी आता है ठीक है नेक्स्ट है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि अठारह का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था तो अठारह को लेकर हम कई बार बात कर चुके हैं अलग अलग व्यक्तियों ने इसको लेकर स्टेटमेंट दिए हैं किसने स्वीकार किया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था यह डिजराइली ने स्वीकार किया था ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा जो वी डी सावरकर थे इन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था टी आर होम्स की बात करें तो टी आर होम्स ने अठारह की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था इसको भी आपने ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट है संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था तो जब हमारा संविधान बना इनमें से कौन सा आदर्श कौन सा शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं था समाजवादी शब्द नहीं था समाजवादी को बाद में जोड़ा गया बयालीसवां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया इसके माध्यम से हमारे संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को यहां पर जोड़ा गया ठीक है नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया अभी तक तो आपसे यही आता है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा तो वो है संपत्ति का अधिकार इसको हटाया गया था चवालीसवें संशोधन के तहत और वर्ष चल रहा था 1978 1978 में किसकी सरकार थी 1978 में मुरारजी देसाई की सरकार थी ऑप्शन बी सही आंसर यहां पे हो जाएगा तो इसको भी आपने ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और साथ में इनको पूरा डिटेल के साथ देखा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए और रिवीजन भी आपका यहाँ पर हो जाए उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं थैंक यू फ्रेंड्स